जय हिंद दोस्तों, आई एम लायंस सर, हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। आप लोगों का लायंस टेक्निकल हब में स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे, जब वोल्टेज का वेरिएशन होता है तो टॉर्क और स्पीड के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ता है। इंडक्शन मोटर में जनरली हम बात कर रहे हैं एसी मोटर, इंडक्शन मोटर की, और उसमें जब हम इनपुट वोल्टेज जो सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज अगर हमारा कम ज्यादा होता है या हम उसको रेगुलेट करते हैं, तो उससे टॉर्क और उसकी स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे। तो मैं इससे पहले बता दूं कि जो दोस्त पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का मैं टेक्निकल वीडियोज बनाता रहता हूं और उसका वो फायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं जो डायग्राम है मैंने बना रखा है, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो ये जो है आपका टॉर्क दिखा रहा है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा जो है टॉर्क बढ़ने लगता है। और कैसे टॉर्क बढ़ता है और इससे आरपीएम पे क्या फर्क पड़ता है, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं पहले इसका वीडियो बना चुका हूं कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आपका जो है टॉर्क का रेजिस्टेंस और स्लिप से क्या फर्क पड़ता है, पहले बना चुका हूं। आप देख सकते हैं कि अगर जो रोटर है उसका रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो उससे कैसे जो है टॉर्क बढ़ता है, या उसको घटाते हैं तो कैसे घटता है, स्लिप हमारा जो है कम ज्यादा होता है, दूसरे टॉर्क के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है, इसका वीडियो बना चुका हूं। फिर भी मैं उसका एक ब्रीफ इसमें भी दूंगा। तो जैसा हम जानते हैं कि टॉर्क जो है इक्वल टू होता है के फाई एस ई टू इंटू आर टू अपान आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। यानी मैं आपको यहां बता दूं कि जो हम ये जो रोटर है, जैसा आप जानते हैं कि मोटर में दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। तो स्टेटर को हम जो है कोई भी है, जैसे अगर हम बात करेंगे उसका वोल्टेज का, तो ईवन से हम डिनोट करेंगे और ये सारी चीजें। लेकिन हम रोटर की बात करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस को आर टू से डिनोट करेंगे, और उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसके बार में, क्योंकि इन रिंग से शॉर्टेड होता है तो उसके बार में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो हम E2 से जो है इंडिकेट करेंगे, राइट। तो हम इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला। ये टॉर्क है आपका, या इसको TR से बोल सकते हैं, ये रनिंग टॉर्क इक्वल टू होता है, एक हम कांस्टेंट ले लेते हैं जिसमें अदर कांस्टेंट आ जाते हैं मोटर के, इंटू फाई। फाई है आपका बेसिकली फील्ड या फ्लक्स, इंटू आपका हो जाएगा E2 का स्क्वायर इंटू R2। इसमें है E2 बेसिकली आपका है जो वोल्टेज है रोटर के बार में जनरेट हो रहा है, R2 है उसका रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा स्लिप इंटू X2 यानी रिएक्टेंस का होल स्क्वायर, राइट। वेयर K आपका है ये अदर कांस्टेंट कांस्टेंट, और आपका E2 है आपका बेसिकली रोटर का रोटर वोल्टेज, एंड फाइव है ये आपका फ्लक्स है, ये है आपका स्टेटर फ्लक्स, स्टेटर या आप बोल सकते हैं फील्ड, राइट। और इसमें R2 है आपका ये रोटर रेजिस्टेंस, राइट, एंड TR है आपका रनिंग टॉर्क। तो ये रनिंग टॉर्क आपका जो है रनिंग टॉर्क इस जो है फॉर्मूला से आप डिफाइन करेंगे, और जहां पर आपको ये मैं बता दिया एस बच गया, एस इज स्लिप। आपको जैसे पता होगा स्लिप बेसिकली क्या है, जो रोटेटिंग फ्लक्स है उसका आरपीएम, और जो रोटर है उसके साथ जो रोटेट कर रहा है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज स्लिप, राइट, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए। नाउ अब हम जानते हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि स्टेटर में जो वोल्टेज है, जो हम थ्री फेज वोल्टेज दे रहे हैं, तो उससे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और क्योंकि रोटर हमारा इनिशियली जो है स्टैंडिंग कंडीशन में है, यानी उसका जो घूम नहीं रहा है, तो क्या होता है कि जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उसको
कट करता है, किसको कट करता है, जो उसके नीचे जो बार हैं, वो बार आपने देखा होगा, जैसा मैंने बताया था कि आपका ये रोटर है सपोज, राइट, और इस तरह के जो बार्स हैं थोड़े स्क्यूड होते हैं, आपने देखा होगा, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो बार्स हैं, क्योंकि ये जो है इंड रिंग से यहां सॉर्टेड होते हैं इंड रिंग, तो इसके अंदर जो वोल्टेज यानी इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, इससे जो जो उसके जस्ट नीचे है फील्ड के नीचे आएंगे तो जो कट होगा फील्ड आपका, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके सराउंडिंग में आपने देखा होगा कि जो हमारे अगर मोटर की बात हम करें तो वो भी जो है आपका ये जो पोर्शन है, आप समझिए यहां पर जो फील्ड है और ये रोटेटिंग फील्ड जनरेट हो रही है इस तरह से, राइट, और तो ये जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, यानी हम पीछे अब वीडियो इसका डिटेल में देख पाएंगे, तो इससे जो बार्स के ऊपर ये कट होगा, तो इसका जो है अगर सिंक्रोनस स्पीड देखेंगे जब स्टॉप था हमारा रोटर, तो इस समय इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, राइट, ये रोटर ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद जैसे रोटेट करना शुरू कर देगा, उसको फॉलो करना शुरू कर देगा, तो जो रिलेटिव स्पीड है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वो कम होती चली जाएगी, और जब वो कम होती चली जाएगी तो इसके ऊपर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो भी कम होता चला जाएगा, राइट। तो इनिशियल कंडीशन में ये जो हमारा जितना ज्यादा फील्ड मतलब फ्लक्स होगा यानी फील्ड होगी, उतना ही ज्यादा वोल्टेज इस रोटर में जनरेट होगी, राइट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि चूंकि हमारा जो वोल्टेज है यहां पर, यानी कि जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, कि वो जो है जितना ज्यादा होगा, यानी कि फील्ड ज्यादा होगी, हमारा वोल्टेज जो E2 जनरेट हो रहा है, E2 प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी फील्ड फ्लक्स, ये फ्लक्स कौन सा है, जो रोटेटिंग फ्लक्स का है, और दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी वोल्टेज, जितना ज्यादा हम इनपुट वोल्टेज देंगे ये हमारा फील्ड जो है ये उतना ज्यादा होगा, और उतना ही ज्यादा हमारा रोटर में E2 ये जो है जनरेट होगा, दिस पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रोटर वोल्टेज। तो ये जो फील्ड है, जब हम वोल्टेज ज्यादा देंगे तो हमारा फील्ड ज्यादा जनरेट होगा, यानी कि स्टेटर फील्ड रोटेटिंग है जो नई नेचर, ये ज्यादा जनरेट होगा तो हमारा जो है इसको जो कट करेगा तो इसका स्ट्रेंथ होगा जो इसके अंदर रोटर के अंदर वोल्टेज होगा E2, जिसको हम E2 जनरेट कर रहे हैं, ये ज्यादा होगा, राइट। तो E2 ज्यादा होगा तो हम यहां देख सकते हैं, जो E2 ज्यादा होगा तो E2 का स्क्वायर है यहां पर टार्क, राइट। इनिशियल जब मैं आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में, मैं टार्क और उसका स्लिप की बात कर रहा था, तो उस समय जो है जब रोटर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा जो है टार्क, हम इसको आगे स्लिप के कंडीशन में हम आगे घटा बढ़ा सकते थे, बट इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, राइट। यानी कि रोटर रेजिस्टेंस और टार्क में जो रिलेशन था, मैंने बताया था कि अगर रोटर का रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो ये जो मैग्नीट्यूड है टार्क का वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है आगे की जा सकती है, यानी रोटर रेजिस्टेंस आप जैसे बढ़ाएंगे तो ये स्लिप आपका बढ़ता चला जाएगा, और ऐसे ही आपका ये जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम आपको ये यहाँ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो यानी कि हम रेजिस्टेंस जो बढ़ा के या घटा के हम इसकी पोजीशन को यानी टार्क हमें कहाँ चाहिए उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है यानी टार्क का, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। तो उसी तरह से अब यहां पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से हमारा जो है इसका टार्क का मैग्नीट्यूड घटा बढ़ाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ाने से ओनली हम पोजीशनिंग कर सकते थे उसका, बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो E2 यानी ये वोल्टेज है हमारे जो रोटर में जनरेट हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के यानी फ्लक्स के, रोटेटिंग फ्लक्स जो था, और वो जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के ऊपर। अगर वोल्टेज आप बढ़ाते हैं तो हमारा E2 भी बढ़ जाएगा, और E2 बढ़ने से हमारा क्या होगा, ये जो टार्क है रनिंग टार्क बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंड। और एक इसके उसमें होगा E2 का स्क्वायर यानी वोल्टेज के स्क्वायर पे होता है, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब हम इसको देखेंगे कि इसका टार्क से क्या रिलेशन है, वोल्टेज बढ़ाने से टार्क का क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं इसको। मैं इसको रख कर देता हूं, जब हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारे स्लिप के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और टार्क के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो आइए हम इसको जान लेते हैं। यहां पर हम लेते हैं पहले टार्क टी था, और अब हम इसको जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये जो है चेंज होकर के टार्क टी टू टी डैश कर दिया, और इसी तरह से हम ये देख लेते हैं कि आपका जो है
जैसे स्लिप था, स्लिप एस था एस टू एस डैश, इसी तरह से वी वोल्टेज था जो वी से वी टू वी डैश। तो हम इसको जो है डिनोट कर सकते हैं, इसमें हमारा हो जाएगा टी से टी डैश, टी अपॉन टी डैश, यानी टार्क जो पहले था और अभी जो टार्क कितना चेंज हुआ, दैट विल बी इक्वल टू, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है आपका स्लिप, एस इंटू वी स्क्वायर अपॉन, अब जो है स्लिप हो गया था एस डैश इंटू वी डैश का स्क्वायर, राइट। तो ये आपका है टार्क का रिलेशन है। अब इसमें आप जो टार्क था, इनिशियल टार्क जो आपने वोल्टेज पढ़ाया, यानी कि वी डैश से आप वी से वी डैश कर दिया, तो ये फॉर्मूला डाल दीजिए आप, टार्क अपॉन टी डैश, यानी कि जो न्यू टार्क हुआ विल बी इक्वल टू स्लिप जो उस समय पहले था इंटू वी स्क्वायर, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज था उसका स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय न्यू स्लिप जो जनरेट हुआ है एस डैश इंटू वी डैश का स्क्वायर, ये डैश है वी डैश का स्क्वायर, यानी कि जो न्यू जो है वोल्टेज आप दे रहे हैं, राइट। तो इसमें से आपको ये दिया होगा, टार्क दिया होगा और आपका जो न्यू टार्क दिया होगा, या न्यू टार्क पूछ रहा होगा तो आपको वोल्टेज और जो है नेक्स्ट चेंज वोल्टेज दिया होगा, राइट। तो आपको ये तीन चीज दिया होगा, आपको टार्क पूछ रहा होगा, न्यू टार्क क्या है, यानी स्लिप दिया होगा आपको, पहले स्लिप क्या था, बाद में स्लिप क्या हो गया, पहले वोल्टेज क्या था, बाद में वोल्टेज क्या हो गया, देन वो पूछेगा कि अब टार्क में क्या चेंज है, या आपको टार्क दिया होगा, स्लिप दिया होगा, और दोनों टार्क दिया होगा कि रनिंग टार्क क्या था और चेंज टार्क क्या था, देन पहले स्लिप क्या था, बाद में स्लिप क्या हो गया, तो आपको वोल्टेज पूछ रहा होगा कि कितना वोल्टेज चेंज किया है। इस तरह से क्वेश्चन है आते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं आपके कंपटीशन में, आप इसको जो है बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है रिलेशन कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा टार्क जो है बढ़ जाता है, राइट। और ये जो है वी स्क्वायर वोल्टेज जो है टार्क जो है वी स्क्वायर के ऊपर रिलेट करता है, राइट। तो ये है आपका रिलेशन वोल्टेज से, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा, और इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जो है हमारे वीडियो का तुरंत मिल जाए और आप इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।